नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज अ बॉल ऑफ मास पॉइंट टू फाइव के जी टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन पॉइंट नाइन सिक्स मीटर इज मूविंग इन अ हॉजोंटल सर्कल द स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन इज मोर देन ट्वेंटी फाइव न्यूटन व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच बॉल कैन बी सर्कल का सवाल है जहां पे हम कह रहे हैं कि उसकी लेंथ अपने को गिवन है तो पहले गिवन डेटा एक बार लिख लेते हैं ठीक है सो so, अपने को मास दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है तो मास अपना है 0.25 पॉइंट टू फाइव के जी ज़ीरो पॉइंट इसको 1 बाई फोर भी लिख सकते हैं लेंथ अपने को यहाँ पे दिया हुआ है 1.96 मीटर और यही लेंथ आपका रेडियस हो जाएगा और अपने को दिया हुआ है टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू तो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ट्वेंटी फाइव न्यूटन राइट तो इस केस में जो अपनी टेंशन है उसको हम लिख सकते हैं टेंशन कैन बी रिटर्न एज एम आर ओमेगा स्क्वायर अपने को बताना क्या है स्पीड uh, हालाइन right. तो टेंशन को हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर सो इसके बेसिस पे हम अपनी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं सो so, वेलोसिटी जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय एम उसका अंडर रूट नाउ डेटा हम इसमें अगर फिल इन कर दें सो so, टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई आर दैट इज़ वन पॉइंट नाइन सिक्स डिवाइडेड बाई मास मास इज़ इसको हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट टू फाइव या फिर वन बाय फोर फोर ऊपर चला जाएगा फोर ऊपर से मल्टीप्लाई होकर हंड्रेड हो जाएगा सो so, इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन अंडर रूट ऑफ वन पॉइंट नाइन सिक्स वन पॉइंट नाइन सिक्स जो है वन पॉइंट फोर का इसका अंडर रूट वन पॉइंट फोर आएगा सो so वेलोसिटी की जो वैल्यू आ गई दैट विल बी फोर्टीन मीटर पर सेकेंड सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए